ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नरकोटा में पहाड़ी से गिरे भारी भरकम बोल्डर की चपेट में एक यात्रियों से भरा वाहन आ गया, जिस कारण वाहन में सवार दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और चार यात्री घायल हो गए हैं। वाहन में चालक समेत कुल 10 लोग सवार थे। सभी यात्री अमेरिका के न्यूयॉर्क के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यात्री बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे। मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है नरकोटा के पास लगभग, तो जब वहाँ पे हमारे मौके पे हमारे इंस्पेक्टर साहब और इस थाने की पुलिस गई है, तो ये जो इनके द्वारा बताया गया है कि कोई पत्थर ऊपर से आया है, और ये कि जो टेम्पो ड्राइवर था, जो टेम्पो जिसमें यात्री थे, जो चार धाम यात्रा में आए थे और चार धाम यात्रा करने के बाद ये वापस जा रहे थे, तो जो पत्थर आया वो साइड से ऊपर जो है गाड़ी के ऊपर गिरा है और जो अंदर बैठे हुए थे उसमें दो यात्री पे लगा है। तो जैसे उनको हॉस्पिटल लाया गया तो उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया है। और ये यात्री जो थे वो तो मूल तो भारतीय हैं, लेकिन ये लोग अमेरिका में रहते हैं। इनमें से जो आज जिनकी मृत्यु हुई है ये अमित सिकदर हैं और इनके ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। पूरा एक ग्रुप इनका आया था और जो दूसरा है ये बुद्धदेव मजूमदार हैं, ये भी दोनों अमेरिका में रहते हैं और इनका परिवार भी अमेरिका में है। इनके परिवार वालों को हमने सूचना दे दी है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे लिए ये, जो उनके साथ के लोग हैं उनको हम ढाढ़स बना रहे हैं और जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दुर्भाग्य को हम नहीं टाल पाए। और मैं आपके माध्यम से जितने भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी इस तरह से कोई तूफान या कुछ इस तरह से घटना होती है तो उस समय वाहनों को रोक के रखें और जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन से हमारे बने हुए हैं उन पर थोड़ा सा चेतावनीपूर्ण से अपने वाहन चलाएँ, और जो पुलिस के निर्देश जगह जगह हमने लिखे हुए हैं कृपया उनका पालन करें, और मौसम का पहले हाल जरूर लेने कि ये कल मौसम होने वाली है और जिस तरह से मौसम है उसके अनुरूप नहीं। दरअसल बुधवार दोपहर लगभग 3:30 बजे बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से करीब 7 किलोमीटर दूर नरकोटा में अचानक पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर नीचे आ गया। बोल्डर यात्रियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवल के वाहन की खिड़की तोड़ते हुए अंदर जा घुसा, जिस कारण वाहन में मौजूद दो तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग ले आई, जिनमें से दो यात्रियों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य यात्रियों का उपचार अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि वाहन में 9 यात्री और एक वाहन चालक सवार थे। यात्रियों की पहचान उनके चारधाम रजिस्ट्रेशन से की गई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है, साथ ही मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।